जय श्री राम दोस्तों। अभी हम खड़े हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से जो मार्ग बनाया जा रहा है प्रभु श्री राम जी के मंदिर तक जाने के लिए, आज की इस वीडियो में उसका पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है स्टेशन। स्टेशन का पूरा व्यू आप लोग देख पाओगे। इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने पूरा अपडेट आपको दिखाया था कि सेकंड फेज़ का क्या क्या अपडेट किया जा रहा है, और उसी दिन मैंने इस वीडियो को शूट कर लिया था। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं कि वो जो मार्ग बनाया जा रहा है वो इधर से बनाया जा रहा है। अगर आप लोग स्टेशन पे यहाँ पे उतरते हो तो इधर से एक मार्ग है जो कि इधर से गया हुआ है, पूरा करीब करीब 500-600 मीटर ही है। आप सीधे जो है जन्मभूमि पथ पर पहुँच जाओगे। तो चलिए प्रॉपर आपको दिखाते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके काम जो है ये भविष्य में ज़रूर आएगा, या फिर आप जल्द ही आना चाहते हो तो आपके काम जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप स्टेशन पे उतरोगे यहाँ पे अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ से आप इज़िली कैसे पहुँच पाओगे, करीब करीब 5-6 मिनट ही लगता है अगर आप बहुत ही नॉर्मल स्पीड में चलते हो तो, और ईज़िली आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे ई रिक्शे वगैरह आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो यहाँ पे इस पर भी आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इजीली बहुत सारे रिक्शे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट में भी लोग चलते रहते हैं तो इसके लिए ना परेशान होइएगा कि रात में अगर आप लोग आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपकी ना मिलेगी। ठीक है, ये है स्टेशन, ये पुराना वाला है, मैंने दिखाया ही था। इधर से हम चलेंगे, पूरा आपको दिखाएँगे। तो ये है दोस्तों ये मार्ग, अभी आप लोग देखिएगा बहुत ही पतला था, लेकिन आप दोनों साइड पर आप देखिए मकान कितने दूर दूर हैं, इधर और इधर, तो इतना चौड़ा ये पूरा बनाया जा रहा है। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना अपडेट हुआ है इसका। अभी देखिएगा ये, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उस साइड से पूरा मार्ग जो है ये बन रहा है। अभी जो है बहुत ही बेसिक सा था, बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन अब जो है इसको चौड़ा किया जा रहा है। इधर देखिएगा मकान वगैरह सारे जो है सब टूट रहे हैं पूरा एक तरफ से। इधर देखिए, ये देखिएगा जितने भी इधर मकान थे सब तोड़े जा रहे हैं पूरा, क्योंकि जो है इसको चौड़ा किया जाएगा। और काफ़ी जो है इसमें भीड़ लगता है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम जी के मंदिर से और ये रेलवे स्टेशन का मार्ग बहुत ही कम दूरी पड़ता है, जिसकी वजह से लोग इस पर भीड़ ज़्यादा लगा देते हैं। ये देखिएगा ये पूरा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इधर जो है ये गुजराती धर्मशाला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, लोग यहाँ पर आके रुकते भी थे। और इसका देखिए ये है धर्मशाला, और इधर देखिए पूरा ये आपको स्टेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपको पूरा आगे दिखाते हैं कैसे ये वर्क किया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं। और अभी देखिए नॉर्मल सा ही मार्ग था, देखिए बस इतना चौड़ा इधर से इधर तक ही, लेकिन अब इसको काफ़ी चौड़ा बनाया जाएगा, कम से कम इसके 2 गुने। ये देखिए, और इस पर दोस्तों ज़्यादा भीड़ लगती थी, ये शॉप वगैरह लगे रहते थे साइड साइड में, ये कुछ ज़मीनें कुछ। ये देखिए दोस्तों, इधर भी मकान वगैरह कितना अच्छे से बना हुआ था, सब भाई तोड़ दिया जा रहा है। इधर देखिएगा डक्ट का काम चल रहा है, जो कि डबल डक्ट के साथ बन रहे हैं। डक्ट बनने के बाद जो है मार्ग का काम किया जाएगा। इधर वाला भी एक मार्ग गया हो जो कि राम पथ में जाके मिलता है, फिलहाल जो इसका भी काम चल रहा है। और अभी इधर से भी लोग नहीं आते, पूरा रोक दिया गया है। ये देखिएगा ये डक्ट बन रही है साइड पर, इधर भी डक्ट बन रहे हैं सेम सेम, और इधर भी जो है डक्ट के ही निर्माण किए जा रहे हैं। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से हो रहा, दोनों साइड पे पहले डक्ट बनेंगे, उसके बाद जो है इस मार्ग को चौड़ा किया जाएगा, पूरा ढंग से बनाया जाएगा। और हो सकता है स्ट्रीट लाइट वगैरह भी लगाई जाए, तो काफ़ी खूबसूरत बनाने की कोशिश भी किया जाए, क्योंकि यहीं से जो है लोग बाहर से भी आते हैं तो यहीं पर उतरते हैं और यहीं से जाते हैं, तो ये मार्ग और सारी चीज़ को देखकर काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश तो किया ही जाएगा, ऐसा उम्मीद है मेरा। बाकी जैसा बनेगा आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी अयोध्या की छोटी सी बड़ी चीज़ें आपको मैं दिखाता ही रहता हूँ। और अभी का माहौल देखिए भाई, देख रहे हो लोग शॉप कहाँ पर लगा रहे हैं, नीचे देखिए पानी बह रहा है और ऊपर देखिए शॉप लगाए गए हैं अपना ठेला। बहुत ही जल्दी पूरा बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखिएगा ये, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही छोटा सा ही मार्ग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बस यहाँ पे आपको जो है रामपथ मिल जाएगा देखने को। ये देखिए बस आगे ही है, यानी कि मिला के 400 मीटर के आसपास है, सीधा रामपथ से, रामपथ के बाद आप सीधा श्री राम जन्मभूमि पथ पर पहुँच जाओगे। इधर देखिए बहुत ही छोटा सा मार्ग है, 5 मिनट भी नहीं लगता इजीली पहुँचने में। ये देखिएगा भाई,
तो इधर आप लोग देख पाओगे दोस्तों, इधर पूरा मकान पूरा गिर गया भाई। अभी तो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, इसके पहले मैंने आपको दिखाया था, अभी पूरा साफ ही हो गया है। ये देखिए धर्मशाला था, ये पूरा श्री अतिथि निवास करके था, श्री राम अतिथि निवास। अब पूरा हट गया, देखिए ये इस तरीके से पूरा टूट गया है। और फिलहाल अब जो है इस मार्ग को कुछ सही कर दिए हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने आया था इसमें भाई पानी बह रहा था ज़बरदस्त वाला, लेकिन जब से ये डक्ट वगैरह का काम चल रहा तब से जो थोड़ा बहुत सही कर दिया गया है, क्योंकि पानी जो है एक साइड से बह रहा है, ये देखिए। और इधर पूरा आपको पता है पूरा कमरे थे एक साइड से जो कि सब टूट गए हैं पूरा, देखिए ये देखिए भाई। और इधर भी देखिए वर्क चल रहा है, इधर देखिए ये तोड़ा जा रहा सारी चीज़ें, ये देखिएगा। और अभी कुछ इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगा इस मार्ग को आपको। और सामने जो है श्री राम हॉस्पिटल चिकित्सालय मिल जाएगा इधर आपको, और इधर आपको थोड़ी दूर पे करीब 100 से 150 मीटर पे ही श्री राम जन्मभूमि पर, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए मैं इधर, ये श्री राम चिकित्सालय, और इधर जो है श्री राम जन्मभूमि पथ, ये राम पथ पर पहुँच जाओगे यहाँ से। ये है भाई रेलवे स्टेशन वाला मार्ग पूरा, ये आप लोग देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप पहुँचे हो तो आपको राइट साइड से जाना है इधर से, ये देखिए आपको राइट साइड से जाना है। इधर जो है वो सामने आपको प्रवेश द्वार देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपसे आपको अंदर जाना है प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने, ये देखिए। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरा मैंने आपको दिखा दिया कहाँ से कहाँ तक जाना है। इधर आगे से आपको जो है लेफ्ट साइड की ओर जाना है पूरा दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।